एमएससी केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री के जितने भी टॉपिक हैं आपको एक पीडीएफ में मिल जाएंगे। आपने क्या करना है, अपना सिलेबस पकड़ना है एंड टॉपिक्स को मैच करना है। जो भी टॉपिक्स मैं यहाँ पर बताऊँगी आपको या तो टिक कर लेना है या नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम, जिसको आपने पहले डिफाइन करना है एंड देन इसकी डेरिवेशंस होती हैं। स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स के बारे में आपको बताना चाहिए, इसके आगे फर्दर पार्ट्स होंगे, ठीक है। उसके बाद है पार्टिकल्स इन 2D बॉक्स, जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी हम कहते हैं, ये तो पक्का ही आती है एग्ज़ाम में। सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक वेव फंक्शन भी बहुत बार पूछा गया है एग्ज़ाम में, तो आपने इसकी भी वैल्यू डेफिनेशन लिखनी है, डेरिवेशन लिखनी है। लैग्रेंज अनडिटरमिंड मल्टीप्लिसिटी जो है वो 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक्टिविटी एंड आयनिक स्ट्रेंथ पहले आप डिटेल पढ़ोगे, फिर उसके बाद इसके डेरिवेशन करोगे। सबके आपको डिटेल पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास कोई मटेरियल नहीं है, आपको जितने भी यहाँ पर टॉपिक दिखाऊंगी उसका पीडीएफ मेरे पास है, आप ले सकते हो व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके। सेकेंड ऑर्डर फेस ट्रांजिशन, फेस रूल क्या होता है, बॉस इंस्टेंट स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, कैलकुलेट कैसे करते हैं आयनिक स्ट्रेंथ को, पर्टर्बेशन थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके सिलेबस में है तो इसको आपने बहुत बार रिवाइज करना, क्योंकि लेंथी होती है एंड पूछी जाती है तो करनी तो पड़ेगी, तो अच्छे से रिवाइज कर लेना। पार्टीशन फंक्शन में ट्रांसलेशनल वाइब्रेशनल इलेक्ट्रिकल रोटेशन मॉलिक्यूल सारे पार्टीशन फंक्शन आप करके जाओगे। उसके बाद है रेजिन रोटेटर, जिसकी डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन एंड बॉस एंसन स्टैटिस्टिक्स, सारी स्टैटिस्टिक्स के आपको कंपैरिजन करना है। पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी बहुत ही इजी एंड स्कोरिंग टॉपिक है, अपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है तो आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो। लैपलेस इक्वेशन, फास्ट रिएक्शन फ्लो मेथड बहुत बार पूछा गया है, मीडियम टाइप के क्वेश्चंस में पूछा जाता है। एक्सरे रिफ्रैक्शन भी बहुत इजी है, क्योंकि हम डेली लाइफ में इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। इलेक्ट्रोकाइनेटिक फिनोमिना, लिक्विड क्रिस्टल पॉलीमर, ये वाले टॉपिक्स जो है ना आपको कहीं से मिलने वाले नहीं है, बिकॉज ये बहुत ही डिफरेंट टॉपिक हैं एंड इसका आंसर आपको सिर्फ मेरे चैनल पर ही मिलेगा। तो अगर आप पीडीएफ ले लेते हो आपको सारे के सारे आंसर्स मिल जाते हैं। उसके बाद है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड चार्ज डेंसिटी एंड एक्सेस मोलर वॉल्यूम एंड एक्सेस मोलर एंथैल्पी। उसके बाद इंपॉर्टेंट है लैडर ऑपरेटर, लैडर ऑपरेटर के आगे डेरिवेशन भी होगी। उसके बाद है एंजेम्बल एवरेज रिवर्स मिसाइल वेरिएशन मेथड एंड माइक्रोस्कोपिक रिवर्स। तो ये सारे टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको मेरे पीडीएफ में मिल जाते हैं एंड यूट्यूब के ऊपर वीडियोस भी अवेलेबल हैं हर एक टॉपिक की। तो आपने प्लेलिस्ट चेक कर लेनी है फिजिकल केमिस्ट्री की। अगर आप वीडियो से समझना चाहते हो तो वीडियो से समझ सकते हो, अगर आप नोट्स को डाउनलोड करके ईजिली वे में अपना रिविज़न का टाइम सेव करना चाहते हो, खुद नहीं बनाना चाहते हो नोट्स, तो उससे तो बेहतर कुछ है ही नहीं। उसके बाद है 28 टॉपिक हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, कम्यूटेशन रिलेशन, हैमिल्टोनियन, ईगन वैल्यू, प्रॉपर्टीज ऑफ हैमिल्टनियन ऑपरेटर। तो जितने भी टॉपिक मैं बता रही हूँ ना, अपने अगर आपके सिलेबस में अपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं, ये टॉपिक आप खुद बोलोगे कि आप किस क्वेश्चन पेपर में आए थे। आप चाहो तो स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो। एंड कैलकुलेशन ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ पोजिशन, मोमेंटम को कैसे कैलकुलेट करते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का 2 डायमेंशन था, अब 3 डायमेंशन भी है। कॉन्सिक्वेटिक रिएक्शन एंड कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट, एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स थ्योरी एंड काइनेटिक साल्ट इफेक्ट। तो ये टॉपिक्स रहे। उसके बाद आगे आते हैं स्टेडी स्टेट काइनेटिक्स, काइनेटिक कंट्रोल ऑफ रिएक्शन, डायनेमिक चेन, हाइड्रोजन ब्रोमीन, एसीएल रिएक्शंस, ऑसिलेटर रिएक्शंस किसको कहते हैं, प्रूव करना है एंगुलर मोमेंटम को कि वो हैमिल्टनियन ऑपरेटर है एंगुलर मोमेंटम का कैसे। फिर हमने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देनी है वेव फंक्शन की, ठीक है। उसके बाद है रेडियल वेव फंक्शन एंड एंगुलर वेव फंक्शन, फैमिली ट्री स्टैटिस्टिक्स, फ्यूगेसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ईजी टॉपिक। अगर आप इसको कर देते हो तो आप अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर देते हो, नहीं इजिली आपको लर्न भी हो जाता है, क्योंकि फ्यूगेसिटी केमिकल पोटेंशियल के जैसा ही है, पार्शियल मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज़ की जैसी ही लैंग्वेज इसकी रहती है।